टीवी एक्टर चाहत खन्ना ने खुद की और बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह की बेडरूम की बातें लीक कर दी है। उन्होंने ट्विटर पर अपना एक ऑडियो टेप जारी किया है। इसमें मीका सिंह और चाहत खन्ना मॉर्निंग रोमांस की बातें करते सुने जा सकते हैं। ओफो मिस्टर सिंह, आपको बस मौका चाहिए रोमांस का। सुबह हो गई है, नहीं उठो, मैं नहीं उठना। यू नो व्हाट, सुबह के रोमांस का मजा ही कुछ और होता है। प्लीज कम ना, लेट मी हग यू। अच्छा चलो उठो, अभी चाय बना दो प्लीज। ना, आज मैंने नहीं उठना। ओके, नो रोमांस तो नो चाय। जाओ, खुद जाओ और चाय बना के लाओ। लेट मी स्लीप। अच्छा, ब्लैकमेल। ओके ठीक है, चाय भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको मुझे मेरा फेवरेट सॉन्ग बड़े अच्छे लगते सुनाना होगा। ठीक है, लाती हूँ चाय। ठीक है, चलो, यू गेट रेडी टू सिंग, चलो जल्दी आ जाओ। इससे पहले चाहत खन्ना और मीका सिंह ने एक दूसरे के साथ तस्वीरें भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी, जिन्हें देखकर लोग इनकी केमिस्ट्री पर कमेंट कर रहे हैं। चाहत खन्ना ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, चलो किसी का क्वारंटाइन बनते हैं, लॉकडाउन में हम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढा, इससे काफी खुश हूँ। इसके बाद तो कमेंट की झड़ी लग गई। ज्यादातर लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि ये सब कब हुआ, आखिर ये नया खुलासा एकदम से लॉकडाउन के समय कैसे हुआ। मामला बढ़ता देख एक्टर्स ने इन आशंकाओं को दूर कर दिया। चाहत ने बताया कि ये सब मीका सिंह ने अपने गाने के प्रमोशन के लिए किया था, इससे ज्यादा मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन अब जब दोनों की बेडरूम टॉक और फोटोज बाहर आई है तो मामला फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। चाहत खन्ना और मीका सिंह की इन वायरल फोटोज को देखकर अब खबरें ये भी है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि चाहत खन्ना ने 2013 में फरहान मिर्जा से शादी की थी। दोनों की शादी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और साल 2018 में दोनों का तलाक हो गया। अब जब मीका सिंह और चाहत की अफेयर की खबरें तेजी से बढ़ रही है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में और बड़ी खबरें भी सामने आए। लेकिन जैसे कि अभिनेत्री का कहना है कि ये महज गाने का प्रमोशन है, तो इससे पता चलता है कि जल्द ही एक और रिमिक्स गाना लोगों को सुनने को मिल सकता है। एंटरटेनमेंट डेस्क, देवभूमि न्यूज़।